स्वागत है मित्रों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में आपकी बीटीसी डीएलएड चौथे सेमेस्टर से विज्ञान में जो आपका सिलेबस चल रहा है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो है एक नया चैप्टर खनिज और अयस्क के बारे में। पीरियोडिक टेबल के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। खनिज और अयस्क, मिनरल एंड ओर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 25 मार्क्स का होता है और इतना मान के चलिए 5 नंबर का लगभग जो है इसी खनिज और अयस्क से आपका आता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम भी लेकर के बात करेंगे। वैसे भी कोई चीज़ मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे खनिज और अयस्क के बारे में कि मिनरल और ओर होते क्या हैं। आप भी लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा सारे बिंदुओं को अच्छी तरीके से समझने के लिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल से मत भूलिएगा, और अगर सब कुछ अच्छा लगे तो भाई लाइक तो एक बनता ही है। जी हाँ, चलिए देखते हैं इसमें और बात करते हैं सबसे पहले कि खनिज है क्या। देखिए, जब भी आप बात करते हो कि खनिज और अयस्क, तो ज़रूरत क्या है हमें, हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्हें, तो आप जानते हो जब एक डेली लाइफ के बारे में बात करते हो ह्यूमन के, या एक सामान्य जीवन के बारे में जब आप मनुष्य के बात करते हो, दैनिक जीवन में वो अनेक छोटी छोटी वस्तुओं को अपने प्रयोग में ला रहा होता है। जैसे एक सिलाई मशीन की एक जो सुई होती है छोटी से लेकर के एक विशाल का इंजन तक प्रयोग में लेकर के आता है। मोटर गाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ी, जहाज, बर्तन, कुछ भी ले लो आप, और इन सभी में ये सभी किसी न किसी धातु या फिर मिश्र धातु के या फिर अधातु के बने हुए होते हैं। यही कारण है कि अब हम इनकी स्टडी करते हैं कि हमारे जीवन में ये इतने उपयोगी हैं, तो हम चलो पढ़ते हैं कि इनके क्या कुछ गुण देखने को मिलते हैं, ये हैं क्या, कैसे इनकी प्राप्ति होती है और बाकी सारी बातें। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों इन्हें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब खनिज की बात करते हैं कि खनिज है क्या, यहाँ पर लिखा है प्रायः ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो प्रायः धरती के अंदर खुदाई के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि मिनरल्स क्या हैं, तो आप बोलोगे मिनरल लिखा है ना, MINERALS मिनरल्स, तो ये बोलिएगा जो माइनिंग करके प्राप्त होते हैं। देखिए माइन शब्द इसमें आया है ना, इसी शब्द से आप उसका मतलब निकाल लो और आपकी डेफिनेशन यहीं पर कंप्लीट हो गई। 2018 में आपके डीएलएड में उससे पहले भी पूछा गया है खनिज और अयस्क होते क्या हैं, सीधा सीधा आपका 1 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो यहीं पर इंपॉर्टेंट है। माइनिंग के द्वारा, खुदाई के द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के खानों के खनन से यह प्राप्त किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स में कुछ आपके खनिज लिखे हैं, जैसे लोहा है, अभ्रक लिखा हुआ है, यहाँ पर कोयला हो गया, चूना, पत्थर, जस्ता, बॉक्साइट, ये सारे के सारे क्या हैं, खनिज हैं। एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो खनिजों को, जो खनिज हैं उनको भूपर्पटी यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपरी सतह है, समुद्र या पृथ्वी के तल से प्राप्त किया जाता है। समुद्र का भी तल होता है, पृथ्वी का भी तल होता है, पृथ्वी की भूपर्पटी होती है, आप कहीं से भी खनिजों को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपसे अगर कोई बोलता है प्राप्ति को लेकर के, तो ये 3 जगहें आपकी मिल सकती हैं मुख्यतः जहाँ से आप मिनरल्स को प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अयस्क पर। जिन खनिजों से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्चे पर प्राप्त किया जा सके, आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है अयस्क को, वो कैसे किया गया है कि जिन खनिजों से, मतलब उन्हीं मिनरल्स से अगर आप किसी मेटल को प्रचुर मात्रा में, मतलब काफ़ी मात्रा में अगर आप कम खर्चे पर प्राप्त कर रहे होते हो, तो ये आपके क्या होते हैं, अयस्क कहलाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वह खनिज हों जिनसे कोई धातु आदि जो है महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त हों। मतलब ये आपके खनिज ही हैं, खनिज से प्राप्त होते हैं तो खनिज ही हैं, वहाँ से कोई अगर धातु हमें मिल रहा है तो उन्हें आप अयस्क कह देते हो। अयस्कों को भी खनन से बाहर लाया जाता है और फिर उनका प्योरिफिकेशन करके, उनका शुद्धिकरण करके उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स या तत्व प्राप्त किए जाते हैं। आपने देखा होगा प्योरीफाई करके, अब सोना मिलता है तो सोने को आप सीधे सीधे थोड़े ना यूज़ में लाते हो, काफ़ी सारा प्योरीफिकेशन होता है, आफ्टर दैट आप प्रयोग में लेकर के आते हो। तो अयस्क में जैसे कॉपर का अयस्क है कॉपर पायराइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, कुछ और अयस्कों के नाम मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे एल्यूमिनियम का फेल्सपार होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट भी है, सबसे मुख्य अयस्क एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, रट लो भाई बिल्कुल से, फेल्सपार भी इसी का अयस्क है,
कोरंडम भी इसी का है, इसका बॉक्साइट लिखा है मैंने, काओलिन करके भी इसी का है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम में क्या होता है, कैल्साइट है, डोलोमाइट है, जिप्सम, एस्बेस्टस, फ्लोरस्पार, ये फ्लोरस्पार लिखा हो, फ्लोरस्पार है, फ्लोरस्पार, ठीक है, ये फ्लोरस्पार होता है, तो ये भी आपका उसमें शामिल होगा। ठीक, कॉपर की बात कर लेते हैं, कॉपर का जो अयस्क है वो क्यूपराइट है, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लोहा, ये तीन, इसके मुख्यतः तीन अयस्क हैं तो ऐसे चार पांच, लेकिन मुख्यतः तीन हैं और तीनों आपको रटे होने चाहिए जुबान पे। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट, ये आपके जो टाइट टाइट ये करके हैं इनको तो आपको पता होना ही चाहिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट और एक आयरन पायराइट भी लोहे का अयस्क होता है। इतना हमने समझा अयस्कों के बारे में, खनिज के बारे में। बात कर लेते हैं, आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल पर, धातु क्या है, अधातु क्या है। आपसे वन मार्क्स में पूछा था धातु को क्या होते हैं, तो धातु हैं अपारदर्शी और चमकदार पदार्थ जो हैं, जो भी अपारदर्शी, अपारदर्शी को ओपेक बोलते हो आप, OPAQUE, ओपेक, और चमकदार को लस्टर बोलते हो, LUSTRE, लस्टर करके आप बोल दोगे, मतलब चमक जिनमें देखने को मिले, तो वो आपके क्या होते हैं जब आप धातु को परिभाषित करते हो। ठीक है, तो अपारदर्शी और चमकदार पदार्थ होते हैं। दूसरी बात, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जब आप बात करते हो, जैसे लोहा है, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, सारे के सारे धातु होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें धातु के कुछ गुण को लेकर के, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल की जो हमें देखने को मिलती हैं। प्रॉपर्टीज़ को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक आपकी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने धातुओं के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जान लिया, तो अधातु की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है जस्ट इसकी अपोजिट होगी। ठीक है, ज़्यादा आपको वहाँ पर वो समझने की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यूपी टेट, सीटेट की जब आप बात करते हो, फुल सिलेबस आपका बुलेट, वन लाइनर, प्रीवियस ईयर के जितने सॉल्व पेपर हैं उन सभी को शामिल किया गया है, जो मैंने पीडीएफ फाइल्स, मेरी हैंड रिटन पीडीएफ फाइल है ये जो मैंने तैयार की है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सब हैंड रिटन पीडीएफ फाइल्स हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर की गई हैं। इनके लिए आप मुझे 8074 3734 पर संपर्क कर सकते हो। आप यूपी टेट, सीटेट और इन पीडीएफ फाइल्स को आप देखोगे, खासकर इसमें जो है यूपी टेट, सीटेट को लेकर के, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि वास्तव में इसमें कंटेंट वो दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो एक बार आप ज़रूर रीच आउट करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वहाँ पर आप जाकर के डिटेल में जान सकते हैं, सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा डिटेल। ठीक है, ओके, हम बात करते हैं धातु के गुण में, भौतिक गुण। सबसे पहला जो गुण है वो है धात्विक चमक। क्या लिखा है यहाँ पे, धात्विक चमक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटालिक लस्टर, लस्टर मतलब चमक होता है, LUSTRE, ओके। कहने का मतलब यह है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। धातुओं की इसी विशेष चमक के कारण जो सोना है, जो चांदी है, आभूषण बनाने में काम आता है। आज आपको समझ में आया होगा कि ये भौतिक गुण है उसका, फिजिकल प्रॉपर्टी है सोना चांदी का, कि देखिए कितना महंगा है, एक धातु ही है लेकिन देखिए कितना महंगा है ना, लोग खरीद रहे होते हैं और सारी चीज़ें, और यही चमक के कारण ही वो आभूषण के बनाने में प्रयोग में आता है। कठोरता की बात कर लेते हैं इसमें, हार्डनेस, सेकंड है कठोरता, हार्डनेस, धातु कठोर होते हैं लेकिन विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है, कुछ धातु थोड़े कम कठोर होते हैं, कुछ उनके मुकाबले ज़्यादा कठोर होते हैं, समझ रहे हो आप। तो कठोरता के कारण ही लोहे का उपयोग पुल का जो क्या होता है, गर्टर, गर्डर, जो GIRDER, पुलों का गर्डर आप देखिए लोहे के बने हुए होते हैं, ये गर्डर है। ठीक है, रेलवे लाइन, रेल के डिब्बे, जो लिंटर वगैरह होता है, लिंटर बनाया जाता है, जो ये सभी में इसीलिए लोहा प्रयोग में आता है क्योंकि वह कठोर होता है। आशा करते हैं कि ये गुण आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए इतनी बातें हो गई। फिर है आघात वर्धनीयता, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, मैलिएबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं आप इसे। पूछा जाता है आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, आघात करना, चोट पहुँचाना, वर्धनीय, फैला देना, समझ रहे हो आप, चोट उस पर करके अगर वो फैला देते हो आप, ठीक है, तो ऐसे में वो आघात वर्धनीयता मैलिएबिलिटी के गुण में आता है।
लिखा है, इसी गुण के कारण धातुओं को पीटकर पतले चादर या शीट में बदला जाता है। ओके, जैसे लोहा, लोहे को आप पीट करके या लोहे का प्रयोग करके कार है या अन्य गाड़ियों की जो बॉडी है वो बनाई जाती है। अब है तो लोहा कुछ ऐसे निकला होगा ऐसे करके आप, लेकिन वो देख रहे हो आप कितने उसको पीट पीट कर एक शीट, एक चादर जैसा बना दिया जाता है। ये आघात वर्धनीय वाला ही गुण धातुओं में होता है, तभी ये पॉसिबल है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, सोना चांदी जो धातु होते हैं उनकी भी पतली शीट बना करके उनका आभूषण में प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय वस्तु हैं, इनको ज़्यादा पीट पाट के जो है आप क्या करते हो अपने हिसाब से, है ना, भगवान जी का नाम वो बना दिया, शंकर जी बना दिए उसमें जो है ना, अल्लाह के उससे बना दिया, आप देखते हो गए ऐसे में जो अंगूठियाँ होती हैं और सारे उसमें, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आघात वर्धनीयता मैलियबिलिटी का उसमें गुण पाया जाता है। नेक्स्ट, लचीलापन यानी कि डक्टिलिटी, धातुएं लचीली होती हैं तथा धातुओं के इसी गुण को लचीलापन या डक्टिलिटी कहा जाता है। आप समझ रहे हो, जैसे इन्हें खींच कर पतले तार में आप बदल सकते हो। धातु के इसी गुण के कारण एल्यूमिनियम है, तांबा है, आप देखते होगे भाई एल्यूमिनियम और तांबा क्या है आपका, एल्यूमिनियम को ले लो आप, तांबा ले लो, सिल्वर, ये सब, सॉरी ये तो चांदी हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सारे आपके बिजली के तार बनाने में प्रयोग में आते हैं ना। लोहे का उपयोग क्रेन है, पुल है, उनके मोटे तार बनाने में प्रयोग में आता है। तो जैसे सोना है वो भी आपकी लचीली धातु है, और सोना जो है वो सबसे लचीली धातु है, ये आप नोट डाउन अलग से कर लीजिएगा। जो गोल्ड है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, तो यहाँ से समझ में आया होगा लचीलेपन का गुण। फिर बात आती है इसमें बिजली व ऊष्मा का सुचालक, यानी कि कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं जो है बिजली और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातु के बिजली के सुचालक होने के कारण ही एल्यूमिनियम और कॉपर का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। आशा करते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर का उपयोग आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि भाई सुचालक हो तभी इनका जो है बिजली के तार बनाने में उपयोग में इनको लाया जाता है। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होने के कारण ही एल्यूमिनियम और तांबे के उपयोग के लिए खाना पकाने के जो बर्तन हैं आप देखोगे ना, तांबे का, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के आते हैं आजकल, तो एल्यूमिनियम का इसीलिए आता है क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अनुनादी, सोनोरस, अब ये कौन सी प्रकृति है जी, अगर आप अनुनादी की बात करते हो। सिक्स पॉइंट, धातु को पीटने पर विशेष प्रकार की आवाज आती है। धातु के इसी गुण के कारण धातुओं का उपयोग घंटी है, वाद्य यंत्र के तार आदि बनाने में भी प्रयोग में आता है, और इसी कारण से सोनोरस अनुनादी गुण कहते हैं। अनुनाद सुने हो आप, रिजोनेंस है ना, जैसे पुल पर सैनिक चलते हैं तो अनुनाद वाली प्रक्रिया देखने को मिलती है, आपने पढ़ा होगा शायद हाई स्कूल इंटरमीडिएट उसमें। तो अनुनादी मतलब यही है कि उनमें जो आवाज़ आती है ना, इसीलिए जैसे मंदिर की घंटी हो गई, वाद्य यंत्र में जो तार होते हैं, इसीलिए हम वहाँ पर उनका प्रयोग लाते हैं क्योंकि उनमें अनुनादी गुण देखने को मिलता है। गलनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। धातुओं को गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम धातु का गलनांक बिंदु काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब इतना ध्यान रखिए कि बहुत कम या सामान्य ताप पर ही धातुएं गल जाती हैं, जो गैलियम वगैरह है, समझ रहे हो, गैलियम का जो संकेत है GA है। बाकी आप समझ रहे हो कि लोहा है, पिघलाने में आपका ज़्यादा मेल्टिंग उसमें वो लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ से निकल के आई जब आप गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात करते हो। एक आपका इसमें पॉइंट है भौतिक अवस्था को लेकर के, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है। धातु सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, केवल पारा या मरकरी ही ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव की अवस्था में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट यूपीटेट सभी में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी धातु है जो आपका सामान्य ताप पर द्रवीय अवस्था में रहती है, वो है पारा, वो है मरकरी, जिसे आप HG से डिनोट करते हो, ठीक। इसे आप ज़रूर नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए इतनी बातें हो गई, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। धातुओं के कुछ हम रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं, अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन से इनकी अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर देखिए एक समीकरण लिखा हुआ है, मैग्नीशियम एक धातु है, इस मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पर ये उत्पाद होता है, यहाँ पर आपकी अभिक्रिया करके ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक।
ऐसे ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप इस रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हो तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सोडियम और पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जब आप ये सोडियम की बात कर लो, सोडियम Na होता है, पोटेशियम K होता है, ओके। सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के कारण इनको ऑक्सीजन से बचाने के लिए कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि जो सोडियम है और जो पोटेशियम है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव अभिक्रियाशील वो लोग आप ऐसे में, इसीलिए इन्हें खुले वायु में नहीं रखते हैं, ठीक है। इन्हें खुले वायु में इसीलिए नहीं रखते हैं, इसको हम कैरोसिन में डुबा करके इसीलिए रखते हैं कि अभिक्रिया ये ऑक्सीजन से ना कर पाए, क्योंकि जैसे खुले में रखेंगे वातावरण के प्रभाव में आएगा और तुरंत ही रिएक्शन, ठीक है, ऑक्साइड्स बनने लगेंगे फिर। चलिए दूसरी एक अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ में है, आप देख पा रहे होंगे 4Al+3O2Al3O2 करके लिखा हुआ है। फिर बात आती है यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया, ये आपका देखिए BTC 2016 में पूछा गया है, ओके। तो यहाँ से देखिए मार्क्स कितने आपको मिल रहे हैं केवल इस एक वीडियो से। जल के साथ में अभिक्रिया की जब आप बात करते हो तो ये पूछा था समीकरण में कि सोडियम और मैग्नीशियम के साथ जल जो है धातु के साथ जो जल अभिक्रिया करता है फिर वो क्या बनाएगा। तो सोडियम के साथ देखिए 2Na+2H2O, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और ये हाइड्रोजन है। दोस्तों ये जो तीर का निशान है ये आपका गैस को या गैसियस गैस को डिनोट करता है कि जो हाइड्रोजन है वह एक गैस है। अगर यही तीर का निशान नीचे की तरफ बना होता तो ये अवक्षेप होता है, रेजिड्यू करके बोलते हो आप इसे। अवक्षेप मतलब कुछ एक ऐसे होता नहीं कि हम चाय को आपने छाना और चाय पत्ती ऊपर रह गई, ओके, अवक्षेप। तो ऊपर वाला साइन गैस को मतलब ऊपर उड़ रही होती है ना गैस, इसलिए ऊपर का तीर का निशान है, और अवक्षेप जो बचता है आपका वो नीचे की तरफ दिखाया गया है। तो सोडियम के साथ में जल, सोडियम जो धातु है जल के साथ में जब अभिक्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 बनेगा। ये जो 2-2 करके लिखा है ना ये आपको बैलेंस करना पड़ता है, समझ रहे हो आप, ये बैलेंस करने के लिए कि भाई अगर नाइट सोडियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी सोडियम 2 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर 4 है तो राइट साइड में देखिए आपको हाइड्रोजन 4 मिलेंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन ये रहा और 2 हाइड्रोजन ये रहा, 2-2-4। ऑक्सीजन अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होगा। आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ये 2 वाला इसके साथ में है तो ये वाला भी इसके साथ में है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको कुछ ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा 2H2O, आपसे पूछा जाए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं तो 2 का इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो ये 4 होगा। लेकिन अगर पूछा जाता है ऑक्सीजन के साथ में तो ऑक्सीजन के साथ में कितना है, 2 ही है, चूँकि 2 किसके साथ में मल्टीप्लाइड है, H के साथ में भी और O के साथ में भी, तो ऑक्सीजन 2 है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 4 होगा। कुछ इस तरीके से आप काउंट करते हो, ठीक। चलिए जी इतनी बातें हो गई और अब हम आते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। यहाँ पर पोटेशियम के साथ में कैल्शियम के साथ में क्या क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। दोस्तों एक सवाल आपके लिए है, यहाँ पर आपका कैल्शियम दिया हुआ, सॉरी सोडियम दिया हुआ था, तो मैग्नीशियम के साथ में जब आप जल की अभिक्रिया कराओगे तो समीकरण क्या होगा। आप जितने हैं अगर बहुत अच्छी तरीके से इसको समझें, जितना अभी 18-19 मिनट में मैं बता रहा हूँ बताया हूँ, वो सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मैग्नीशियम के साथ अगर जल की अभिक्रिया हम कराते हैं तो समीकरण क्या बनेगा। ज़रूर लिखिएगा, अपनी जागरूकता का परिचय दीजिएगा। चलिए जी बात कर लेते हैं अम्ल के साथ में, Zn+HCl। अम्ल मतलब जैसे आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ पर ये जो है वो तनु है, तनु मतलब डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेट करके बोलते हो, सांद्र बोलते हो, एक तनु बोलते हो आप। तो Zn+2HCl जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2, और यहाँ भी हाइड्रोजन निकलेगा। K2O के साथ में HNO3, HNO3 यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है, क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, और इसके साथ में KNO3, ये NO3 लिखा हुआ है, प्लस H2O जल बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया हो गई। आशा करते हैं यही तीन मुख्य हैं जब आप रासायनिक गुणों की बात करते हो, तो ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ में, और तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। ये वाली तो आपकी मैंने आपको बताया है कि आपकी पूछी गई है, जो दूसरी वाली है ये वाली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें धातुओं की, अब हम बात कर लेते हैं घरेलू और औद्योगिक उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ आप इन्हें प्रयोग में लेकर के आते हो। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम धातुओं का उपयोग घरेलू बर्तन हो गया, कारखाने, उपकरण बनाने में। अभी बीच में भी मैं आपको भौतिक गुणों के साथ में सब बताता आया हूँ, लेकिन यहाँ पर हम इकट्ठे बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सोना चांदी का उपकरण उपकरण जो है धातुएं आभूषण बनाने में। तीसरा, एल्युमिनियम की पत्तियां का जो पत्तियां होती हैं, एल्युमिनियम की जो शीट्स होती हैं, दवाइयां, चॉकलेट, सिगरेट की पैकिंग में यूज़ आते हैं, एल्युमिनियम का फॉल, ये वो क्या होता है जो रोटी वोटी उसमें रखते हैं ऐसे में, है वो वाली। फोर्थ, लोहे का जो उपयोग है वो पिन है, कील है, भारी उपकरण हो गया, घरेलू बर्तन, इनके सबके निर्माण में आता है। बाकी तार में आप देख लो, मैंने बिजली के उसमें बताया, मैंने रेलवे के उसमें, गर्डर वगैरह हो गया पुल के उसमें, ये सारे उपयोग आप लिख सकते हो यहाँ पे। आशा करते हैं धातु के बारे में जितना कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अधातु के गुण क्या हैं, अधातु क्या होते हैं, उनके गुण क्या हैं, धातु अधातु में अंतर क्या है, भेद क्या है, उन सभी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। 20 मिनट का वीडियो हो गया है, तो वीडियो को ये शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा, स्क्रीन पर आ रहे हैं 3 वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। ऐसे में हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नया वीडियो में, एक नए टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।